Hello, my dear students. My name is Manavendra Jeevan, and this is the video for class 4th. Those students who are study with me in the classes in previous months in class 3rd, now they are in class 4th. Right? जो लोग पिछले सेशन में क्लास 3rd में थे वो क्लास में 4th में है अब, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन के और कोरोना की वजह से हम लोग क्लास 4th में क्लास बिगिन नहीं कर पाए। मैंने अपने प्रीवियस वर्कशीट में और एक वीडियो में आपको गाइड करने की कोशिश की है, आप उसको भी बनाएंगे, लेकिन अब जो वीडियो बन रहा है वह आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग बन रहा है। यस, यू हर्ड राइट, मेरी बात फिर ध्यान से सुनिए। मैं अब वही पढ़ाऊँगा जो आपके चैप्टर में, तो आपके कंप्यूटर की बुक मेरे पास है, मैं उसी को देख के आपको पढ़ा रहा हूँ। चैप्टर 1 या 2 आपको मैं यूनिट 1 में कवर करता था, वही यहाँ करूँगा, और आप ध्यान से मेरे वीडियो को देखेंगे। कोई अगर आपको चीज़ समझ में नहीं आती है तो टेलीग्राम पर मानवेंद्र जीवन सर्च करके मुझे सवाल कीजिए, या संजीवर वाले पर ही मुझसे सवाल कीजिए, अपना नाम और क्लास बता करके। रोल लिखने की जरूरत नहीं है कि आपको क्या समझ में नहीं आए। तो इस वीडियो को इसी तरह नहीं लीजिएगा, यह आपके चैप्टर को बिलोंग करने जा रहा है। आपका पहला चैप्टर है नो मोर अबाउट योर कंप्यूटर, मतलब अपने कंप्यूटर के बारे में और जानिए। नो, KNOW, नहीं, ओके। तो सारी बदमाशियाँ बंद, ध्यान से मेरे वीडियो को देखिएगा। 5 से 10 मिनट का वीडियो होने जा रहा है, चीज़ों को वैसे ही समझिए जैसे मैं क्लास में खड़ा होकर हंसाते बुलाते हुए हंसते बोलते हुए आपसे पढ़ता था। इसलिए मैंने कोशिश की है कि लैंग्वेज को प्रेफर ना दूँ, इंग्लिश और हिंदी को प्रेफर ना करूँ, उस लैंग्वेज में बात करूँ जिससे कि फ्रेंडली एनवायरनमेंट में हम आपस में पढ़ सकें, ओके। नो मोर अबाउट कंप्यूटर में जनरली ये बात देखना है कि कंप्यूटर के बारे में कुछ हम और ज़्यादा फैमिलियर हो पाए। क्लास 3rd में के वीडियो में मैंने अभी यही बात लिखी है कि कंप्यूटर का मतलब आप जानते हैं, लैब में आपने कंप्यूटर देखा है मेरे साथ, आपने कई बार काम किया हुआ है, आप लोग पेंट ब्रश में अपने प्रोजेक्ट्स बना रहे थे, और ये मेरा वर्ड था कि मैं प्रोजेक्ट आप सबका क्लियर करूँगा। चिंता नहीं कीजिएगा, जब भी लॉकडाउन हटेगा आपके प्रोजेक्ट्स फिर बनेंगे, पेंट ब्रश के प्रोजेक्ट्स फिर बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जिन्होंने अपना प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किया हुआ है चाहे तो दोबारा भी बना सकते हैं, इसलिए उसके बारे में दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। वो प्रोजेक्ट्स होगा और आप में से टॉप 5 को मैं चुनूंगा भी और अवार्ड भी दूंगा, ओके। तो डरने उठने की जरूरत नहीं है, एकदम फ्रंट की तरफ पढ़िए। नाउ, तो कंप्यूटर जो कि हम देख रहे हैं सामने में कि स्क्रीन है, मतलब मॉनिटर, सीपीयू है, कीबोर्ड है, माउस है, यूपीएस है, क्या इसको हम लोग इधर उधर लेकर घूम सकते हैं? नहीं, नहीं, इसको बोलते हैं डेस्कटॉप, जो फिक्स है, लगभग फिक्स है। अगर उस आपने खुद देखा है कि अगर इस कंप्यूटर को उस पार्ट से हटा के अगर दूसरे वाले पार्ट में डालना है तो पूरा तार हटाना पड़ता है, उसको स्विच ऑफ करना पड़ता है। तो इस कंप्यूटर को, टेक्नोलॉजी को, उसको और रिड्यूस किया गया और डेवलप किया गया, कहा गया कि नहीं कंप्यूटर ऐसा होना चाहिए जो मूव कर सके, हमें और यूजफुल हो सके। तो उस रिड्यूस को और रिड्यूस करने के बाद हमने बनाया लैपटॉप। लैपटॉप आज आप अपने कंधे पर बैग में डाल के कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं भी मन किया खोल दिया, उसमें बैटरी सिस्टम है, लाइट नहीं भी है तो 2-3 घंटे आराम से आप अपना काम कर सकते हैं। तो हमने अपनी टेक्नोलॉजी को रिड्यूस किया, दैट इज ऑल्सो कंप्यूटर, दैट इज लैपटॉप। लेकिन कई लोगों को उसके बाद भी दिक्कत हुई। अब लैपटॉप भी लगभग वजन में 3.5 किलो से 4.5 किलो के बीच में होता है, अलग अलग वर्जन का अलग अलग कंप्यूटर लैपटॉप 3.5 से 4.5 किलो का लगभग हो जाता है। और एक खास तो स्पेस चाहिए, वो आपकी जेब में नहीं आएगा, तो कंपेटेबल नहीं था, यूज़र फ्रेंडली नहीं। तो लोगों ने सोचा कि कुछ ऐसा हो सकता है क्या कि उसको हमारा कंप्यूटर हमारे हाथ के साइज का हो जाए, हमारी जेब में हो जाए। तो साइंटिस्ट उसको और डेवलप किए और रिड्यूस किए, और आपका बनना पाम कंप्यूटर। पाम कंप्यूटर, पाम आप सही सुन रहे हैं, PALM, पाम। पाम की 2 हिंदी होती है, एक पाम का मतलब होता है ताड़ का पेड़, आपने देखा होगा। दूसरा पाम की दूसरी हिंदी होती है हथेली। वैसी कंप्यूटर जो आपकी हथेली पे आ जाए, वो भी लैपटॉप की तरह उसका फ्लैप खुलता है, लेकिन उसकी
लंबाई चौड़ाई मोटा मोटी 8 से 10 इंच के बीच में होती है, यानी कि आपके मोबाइल से लगभग ढेवड़ा, ढेवड़ा का मतलब एक मोबाइल और प्लस एक और मोबाइल और उसका आधा, इतना बड़ा होता है, दैट इज कॉल्ड योर पाम कंप्यूटर। फिर इसके बाद हमारी जरूरत पूरी हुई, मतलब कि हम अपने जेब में पाम कंप्यूटर को लेकर घूम सकते हैं, जा सकते हैं। लेकिन इसी बीच कुछ जो लोगों को जरूरत हुआ, जो ऑफिस वाले लोग थे, कि भाई हम अगर कंप्यूटर रखते हैं तो उसे कॉल करने में थोड़ी सी नेटवर्किंग वगैरह को लेकर दिक्कत होती है, तो ऐसा कुछ कंप्यूटर हो सकता है, ऐसा कोई चीज़ हो सकती है जिससे कि हम कॉल भी कर सकें, वीडियो भी शेयर कर सकें, व्हाट्सएप वगैरह यूज़ कर सकें, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक यूज़ कर सकें, और वो फ़ोन भी हो। तो साइंटिस्ट ने उसको डेवलप किया और आपका बना स्मार्टफोन, जो आप जिसको अपने हाथ में देख के मेरा ये वीडियो देख रहा, हो सकता है आप लैपटॉप में भी देख रहे हो, लेकिन अभी भी हर घर में लैपटॉप अभी पॉसिबल नहीं हो पाया, तो लेकिन स्मार्टफोन है सबके पास। तो यही स्मार्टफोन लगभग आप ये मान सकते हैं कि आपका कीबोर्ड, अगर उसको कंपैरिजन करें आपके स्मार्टफोन से, कंप्यूटर का आपके स्मार्टफोन से, तो मॉनिटर तो आपका स्क्रीन हो गया, CPU यानी कि ब्रेन ऑफ योर कंप्यूटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। तो मोबाइल का अगर आप फ्लैप खोलते हैं तो उसके पीछे बैटरी होती है, बैटरी के ऊपर का हिस्सा नहीं खुलता है, हम और आप उसको नहीं खोल सकते, उसी हिस्से में इसका रैम, रोम, उसकी प्रोसेसिंग डिवाइस और मोडम, वो सब होता है। और उसके मदरबोर्ड में, जिस तरीके से मैंने आपको क्लास में बाकायदा मदरबोर्ड ला के दिखाया था, उसी तरह से मोबाइल का भी एक मदरबोर्ड होता है, वो भी हरे रंग का होता है, छोटे छोटे उसमें पार्ट्स होते हैं, उस मदरबोर्ड में ये सारे चीज चिपके होते हैं, यानी कि सोल्ड किए होते हैं, इलेक्ट्रिकली सोल्ड किए होते हैं, आप उसको नहीं निकाल सकते। आप बहुत खुश होते हैं तो आप अपना बैटरी निकाल सकते हैं, अब तो कई ऐसे मोबाइल्स आ गए हैं जिनकी बैटरी आप निकाल भी नहीं सकते, फिक्स मोबाइल होती है ना ना। तो हम स्क्रीन, तो आपका स्क्रीन हो गया, तो CPU मैंने समझा दिया, रैम रोम भी समझा दिया कि वह उस पार्ट में फिक्स होता है। अब बचा कीबोर्ड। अब आप ध्यान दीजिए कि आप अगर किसी भी दोस्त को व्हाट्सएप जरूर यूज़ करते होंगे, निश्चित रूप से यूज़ करते होंगे, या फेसबुक यूज़ करते होंगे, अगर आपने यूज नहीं किया है तो आपके मदर फादर यूज करते हो, तो वो जैसे ही किसी ब्लैंक एरिया में क्लिक करते हैं तो कीपैड खुल जाता है, दैट इज योर की, तो आपको अलग से कीबोर्ड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती ना। स्मार्टफोन में माउस आपकी उंगली है, आप जैसे ही, चूंकि आपका स्मार्टफोन टच स्क्रीन होता है, तो आप जिस पार्ट को टच करते हो, किसी आइकॉन को पकड़ के अगर इसको सेलेक्ट किए रहो और इसको ड्रैग करो, तो माउस की तरह खींच के आता है कि नहीं आता, यस, तो ये हो गया आपका माउस। तो लगभग सारे पार्ट्स आपके मिल, कीबोर्ड मिल गया, माउस मिल गया, स्क्रीन मिल गई, CPU मिल गया। अब बचा UPS। तो चूंकि हमारे कंप्यूटर में UPS इसलिए रखा जाता है कि अगर बिजली का फ्लक्चुएशन हुआ या लाइट चली गई तो उस समय उसको शट डाउन करने के लिए बैटरी प्रोवाइड हो। तो स्मार्टफोन का टेक्निक क्या है कि ये पहले ही अपने अंदर लैपटॉप की तरह बैटरी स्टोर कर लेता है, 100% हो जाता है, तो आपको हर जगह पर चार्जर लेके घूमने की जरूरत नहीं पड़ती, कम से कम 4 घंटे 5 घंटे एक दिन तो आपका मोबाइल चल ही जाता है। तो उसमें बैकअप करने के लिए UPS की भी टेक्नोलॉजी, तो दैट इज योर, आई कवर योर द फर्स्ट टॉपिक, नो योर कंप्यूटर। मैंने नॉर्मली मार्केट में, घरों में, सोशल लाइफ में, जिन मैंने ऐसे किसी कंप्यूटर की बात नहीं की है जिसको आपने नहीं देखा, मैंने आपको सुपर कंप्यूटर की बात नहीं की, मेन फ्रेम की बात नहीं की, वैसे कंप्यूटर की बात की या वैसे पार्ट्स की बात की, जैसे बहुत लोगों के पास गैजेट है, हाथ वाला बैंड जिसमें कि ब्लूटूथ वाला, इस पर घड़ी भी होती है, व्हाट्सएप भी होता है, फेसबुक भी होता है, कॉल भी कर सकते हैं, इसको गैजेट बोलते हैं, राइट। तो मैंने ये छोटे मोटे टॉपिक से ये कवर करने की कोशिश की है कि आप अपने कंप्यूटर को स्मार्टफोन से टैली कर सकते हैं, लेकिन एक हद तक आपका स्मार्टफोन एक हद तक कंप्यूटर की तरह काम कर सकता है। स्मार्टफोन बेसिकली कॉलिंग के लिए ही बनी है, ये अलग बात है कि उसमें हम वीडियो देख लेते हैं, शेयर कर लेते हैं, ये सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन लैपटॉप का या पूरा प्रोग्राम इसमें हैंडल नहीं कर सकते, एक हद तक ही आपकी जरूरत पूरी कर सकता है। ओके, हैव ए नाइस डे। इस चैप्टर को ध्यान से देखिएगा, अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे इसका सवाल आप कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आ रहा है, उसके बाद से इसी चैप्टर का हम आपका अदर टॉपिक ये करेंगे, और इसी चैनल में आपके क्वेश्चंस में मैं आपको दूंगा जिसको आपको सॉल्व करना है या मैं सॉल्व करके दूंगा, आपको उसको याद करना है।
ओके, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे हेल्दी, जय हिंद।